हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राव। आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ वो एक पेशेंट का है जिसको हमने लगभग 6 महीने पहले ऑपरेट किया था। उनके हमने 3 प्रोसीजर किए थे, पिनाइल लेंथनिंग, पेनिस में फैट डाला था और साथ में पी शॉट किया था। 6 महीने बाद पेशेंट का शानदार रिजल्ट है। पेशेंट का रिव्यू जो पेशेंट ने हमें बताया वो मैं आपको दिखाऊंगा, और पी शॉट जो किया था उसका इफेक्ट 2-3 महीने तक रहा, फिर कम हो गया। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने पी शॉट कराना है, पी शॉट आपने कराया तो उसके पूरे सेशंस लें। अगर आप बीच में ही छोड़ देंगे तो उसका असर नहीं आएगा, वो थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे पी शॉट का असर आने में टाइम लगता है, नई ब्लड वेसल्स बनने में टाइम लगता है, तो आप पी शॉट को पूरा उसका सेशन लें। बहुत से लोग ये समझते हैं कि पी शॉट का जो इफेक्ट होता है वो टेम्परेरी होता है, ये बिल्कुल झूठ है। अगर आपने इसके सारे सेशंस लिए और आप में माइल्ड से मॉडरेट ईडी है तो इसका परमानेंट इफेक्ट होता है। दूसरा एक जो बात बोली जाती है वो है कि फैट डिसॉल्व हो जाता है। ये 6 महीने पुराना पेशेंट है जो अपने रिजल्ट से आज भी सेटिस्फाइड है। और मैंने कहा कि कभी भी अगर आप ठीक जगह से कराएंगे तो फैट डिसॉल्व नहीं होता, 30% तक ही डिसॉल्व होता है, तो उस डॉक्टर को 30% की करेक्शन कर देनी चाहिए। ये तो बहुत से आप ये बात सुनेंगे कि अगर डिसॉल्व हो जाता है तो उसको टॉप अप करने की जरूरत होती है। अगर वो मान लो डिसॉल्व हो ही गया तो टॉप अप किस चीज़ पे करोगे आप, तो ये बेकार की बात है। सही बात ये है कि 30% तक फैट एब्जॉर्ब हो जाता है, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट 50 ml है पेनिस में तो आप 70-80 ml डालें, जो रिमेनिंग है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और 50 ml पूरी जिंदगी रहेगा। इस पेशेंट की सुनिए कि ये कितना खुश था अपने पिनाइल लेंथनिंग से, पिनाइल फैट ग्राफ्टिंग से और साथ में पी शॉट से। तो अब ये दोबारा हमारे पास आया जिसमें हमने इनका पी शॉट अगेन रिपीट किया, साथ में पेनिस की टिप के लिए ग्लैंस पेनिस में हमने फिलर डाला टाइमिंग के लिए और उसकी गर्थ को बढ़ाने के लिए। तो होप करता हूँ कि आप इस पेशेंट की बात को सुने, देखें कि पेशेंट कितना ज़्यादा अपने सर्जरी से सेटिस्फाइड है। ये सर्जरी हम अपने क्लिनिक में बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आप आके हम अगर ये सर्जरी कराना चाहते हैं बेधड़क होकर हमारे पास आएँ और ये सर्जरी कराएँ। बहुत सेफ सर्जरी है, अच्छे रिजल्ट्स हैं। आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास जाते रहे। अब सुनिए पेशेंट हमारे बारे में क्या बोलता है। आप हमसे पिनाइल लेंथनिंग और फैट ग्राफ्टिंग की सर्जरी करा के गए थे कुछ महीनों पहले? वो पहले करा के गया था, टी शर्ट भी किया था। टी शर्ट के बाद 1 महीने के बाद हमको इतना अच्छा हुआ टी शर्ट के, फिर दूसरे सेशन पे लेने के आया। तो ये जो लेंथनिंग और फैट ग्राफ्टिंग थी, मोटा है अभी? अभी मोटा है। ठीक लगा आपको? अभी ठीक है। तो इसके बाद सेक्स किया था, उसमें कुछ फर्क हुआ? बहुत सेक्स किया, उसके बाद बहुत अच्छा हुआ। सेक्स करके खूब मजा आया? बहुत अच्छा हो गया। तो ऐसा तो नहीं है कि वो कम हो गया हो? ऐसा नहीं होगा, 2-3 महीने के बाद अभी थोड़ा कम हो गया, फिर वो पी शर्ट करके अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो गया? नहीं, जो हमने मोटा किया था उसका वो तो अच्छा है अभी। वो अच्छा है, उसमें कोई बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है? लंबाई में भी? लंबाई में अच्छा है, वो भी अच्छा है। दोनों से आप सेटिस्फाइड हैं? ठीक है। मैंने आपको कहा था कि पी शॉट के सेशन रिपीट कराने चाहिए 2-1 महीने। अगर एक ही सेशन कराओगे उसका 2 महीने तक असर रहता है, लेकिन अगर हम सेशन लगातार कंटिन्यूस करते रहें तो वो फिर परमानेंट हो जाता है। तो ठीक है, आज हम आपको दूसरा पी शॉट करेंगे और जो आपके पेनिस का ग्लैंस पेनिस है उसमें हम डालेंगे फिलर, क्योंकि उसके अंदर फैट नहीं डलता, तो फिलर उसका 2 ml डालेंगे, देखते हैं उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। तैयार हैं आप? रेडी? कोई और क्वेश्चन? नहीं। थैंक यू।